कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी स्टडी को प्लान नहीं करते हैं और बिना प्लान किए हम अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं। ट्वेल्थ में कुछ लोगों ने आर्ट्स लिया होता है, कुछ ने कॉमर्स लिया होता है और कुछ ने साइंस लिया होता है। तो साइंस वालों के पास तो कई सारे ऑप्शन होते हैं और वो किसी भी फील्ड में निकल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है आर्ट्स और कॉमर्स वालों की। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक ऐसे कोर्स जिन्हें वो करने के बाद अपने करियर में स्टेबल अच्छे से हो सकते हैं, और फिर रेपुटेशन वाले कोर्स है जिनमें की सबसे पहला कोर्स है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम सभी ने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंट्स को मैनेज करना, किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करना। कोई रिच पर्सन है जिसके पास काफी अच्छी इनकम सोर्स है, उसके अकाउंट्स को मैनेज करना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काफी अच्छा कोर्स है और इसमें आपके पास 3 से 5 साल होते हैं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोर्स है CS, कंपनी सेक्रेटरी। ये भी CA जैसा ही कोर्स है। किसी भी कंपनी में एक सेक्रेटरी की जरूरत होती है जिसके लिए CS का कोर्स करना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी में अगर आप ऐसे सेक्रेटरी लग जाते हैं, काफी हायर रैंक पे रैंक वाली जॉब है, काफी अच्छी सैलरी वाली जॉब है, इसमें आप अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं और अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं तो अच्छी सैलरी और एक अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला कोर्स है CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट जो बनते हैं उसमें उसकी कॉस्ट को डिसाइड करना, मार्केट में जाने के बाद इसको क्या प्राइस में हमें सेल करना है, कितने इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आनी चाहिए, ये सब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है, CA से रिलेटेड है। और 3 से 5 साल का टाइम होता है इसको क्लियर करने के लिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद अगला कोर्स है हमारा BCom का। BCom करने के बाद आपके पास एक बैचलर डिग्री हो जाती है, इसके बाद आप किसी और फील्ड में भी ट्राई कर सकते हैं। BCom के बाद आप MCom कर सकते हैं और आपके पास बेसिक एजुकेशन के लिए काफ़ी है BCom हो पाना। अगर आपके पास BCom है तो आपकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट है, इसके बाद आप MCom भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक स्पेशल कोर्स है BCom LLB। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का कोर्स है जिसमें शुरू में आप BCom पढ़ेंगे और उसके आगे के सालों में आप LLB से रिलेटेड एजुकेशन लेते हैं। आप ठीक समझ रहे हैं, इसमें आप लॉयर ही बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको BCom पहले किया होना चाहिए, BCom देन LLB। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि साथ में ही किया जाता है, इसलिए हम इसको BCom LLB बोलते हैं और 5 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है। काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद है एक स्पेशल कोर्स जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी मैथ काफ़ी अच्छी है, इसे हम एक्चुरी का कोर्स बोलते हैं। एक्चुरी इसमें आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, 12th में आपके पास मैथ होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी मैथ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने होते हैं, कुछ 10 एग्ज़ाम देने होते हैं, 3 साल का आपके पास टाइम होता है, उसके बाद आप अच्छे बैंक में लग सकते हैं, किसी अकाउंटेंट कंपनी में लग सकते हैं, एज अ अकाउंटेंट भी लग सकते हैं, और इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।